और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है धौलपुर से। इस वक्त आप एवं टीवी की स्क्रीन पर देख रहे हैं, धौलपुर से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पुलिस के जानकार सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है धौलपुर से, जिसमें डकैत केशव गुर्जर के भाई शीशराम को पुलिस ने दबोचा। प्रदेश में टॉप वांटेड बदमाशों की सूची में 5वें नंबर था ये, और शीशराम पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। हिस्ट्री सीटर शीशराम पर डकैती लूट समेत 10 मामले दर्ज हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है धौलपुर से, जहां डकैत केशव गुर्जर के भाई शीशराम को दबोच लिया गया है, और पुलिस के जानकार सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। कोटा शहर में लगातार बढ़ते साइबर अपराध की रोकथाम के लिए राज्य सरकार के बजट घोषणा के बाद नए साइबर थाने का शुभारंभ किया गया। इस थाने के चालू होने के बाद शहर में लगातार बढ़ते साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। नए साइबर थाने में ड्राइवर से थाना अधिकारी तक लगभग 15 लोगों का स्टाफ तैनात किया गया है। इसमें साइबर मामलों के एक्सपर्ट्स भी शामिल हैं, जो ऐसी घटनाओं को खंगालने में सक्षम होंगे। वहीं साइबर थाने की कमान यातायात पुलिस उपाधीक्षक कालूराम वर्मा को सौंपी गई है। साइबर थाने के प्रभारी कालूराम वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार के बजट घोषणा के बाद साइबर थाना शुरू हुआ है। थाने को साइबर घटनाओं को रोकने के लिए, साइबर अपराधों को रोकने के लिए अत्याधुनिक उपकरण मिलेंगे। कोटा शहर में भी यहाँ पे पुलिस स्टेशन कल से शुरू हो गया है, और इसके अंदर जो आप नफरी की बात करते हो, करीब 15 आदमी होंगे, जिसमें एक डिप्टी एसपी होगा, एक इंस्पेक्टर होगा, 3 सब इंस्पेक्टर होंगे, 2 हेड कांस्टेबल होंगे, 5 कांस्टेबल होंगे, 1 सूचना सहायक होगा, और 1 प्रोग्रामर होगा, और 1 ड्राइवर गाड़ी, इस टाइप के इक्विपमेंट होंगे। इसके अलावा इसमें कई जो साइबर से डिटेक्ट करने के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, वो भी समय समय पर अभी सब चीज़ें शुरू हुआ है तो उपलब्ध होंगी। तो आइए आपको सीधा लिए चलते हैं त्रिपुरा, जहां जेपी नड्डा रवि रैली को संबोधित कर रहे हैं। बीजेपी का चुनावी अभियान शुरू। 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देने का निर्णय हुआ है। आप लोगों को राशन मिल रहा है मोदी जी का कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मोदी राइस मिलता है कि नहीं मिलता है? इसके कारण भारत की अति गरीबी 1% से भी कम रह गई है, ये हमको ध्यान में रखना। मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,43,000 लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर चौथे महीने 2,000 रुपए त्रिपुरा में मिल रहा है, और यहाँ इस विधानसभा में 2,214 किसानों को यह मिल रहा है, यह भी आपको ध्यान में रखना। आपको मालूम होगा कि त्रिपुरा यहाँ इंसर्जेंसी थी, हमारे नेशनल लिबरेशन फ्रंट और त्रिपुरा के साथ आए दिन बंद और झगड़े और कर्फ्यू लगा करते, लेकिन भारत सरकार ने समझौता करके 88 कैडर के हमारे नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के लोगों ने आत्म सरेंडर किया, उन्होंने अपना आत्मसमर्पण किया, और 44 तो बढ़ते अगली खबर की ओर। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर हनुमानगढ़ के एक व्यापारी से फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। पीड़ित व्यापारी पारुल गोयल ने हनुमानगढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीलम चौधरी से गुहार लगाते हुए कहा है कि लॉरेंस गैंग के नाम पर ऋतिक बॉक्सर ने 2 बार फोन पर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी है, वही रुपए ना देने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। इससे पहले भी हनुमानगढ़ के 2 पार्षद, 1 चिकित्सक और 1 व्यापारी से लॉरेंस गैंग के नाम पर फिरौती मांगी गई थी, जिसमें व्यापारी इंद्र हिसारिया के प्रतिष्ठान पर फायरिंग भी हुई थी। हनुमानगढ़ में लॉरेंस गैंग के